जरूरी। हेलो गाइस, रक्षाबंधन आने वाला है। आप भी इस तरह की रील को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए चले जाएंगे कैसे एडिट करें। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सिंपल आपको एक वीपीएन की जरूरत पड़ेगी और एक कैपकट एप्लीकेशन की। तो मैं यहाँ से वीपीएन को पहले कनेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको वीपीएन के कनेक्ट होने के बाद आपको कैपकट को ओपन कर लेना है। तो अब मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है तो सिंपल मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर मैं एक वीडियो लूँगी। तो यहाँ पर जितना भी मटेरियल यूज़ होगा सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लेना। तो पहले इस वीडियो को हम यहाँ पर ले लेंगे जो अपकमिंग का एक वीडियो है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ले लूँगी। लेने के बाद ये देखिए मेरा वीडियो आ चुका। उसके बाद आपको एक ऑडियो यहाँ पर ऐड कर देना है। कोई भी आप अपना पसंद का ऑडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मुझे कुछ फोटो की जरूरत पड़ेगी तो प्लस वाले आइकन आप देख सकते हो व्हाइट कलर का, यहाँ पर टैप करेंगे, फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर मुझे कुछ फोटो चाहिए रक्षाबंधन का, आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ 7 फोटो के आसपास सेलेक्ट करूंगी, आप भी इस तरह से कर लेना। तो ये मेरा कुछ फोटो सेलेक्ट कर लिया तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है नीचे के साइड, आप देख सकते हैं ऐड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये मेरा फोटो सारा आ चुका। देखिए सॉन्ग थोड़ा बड़ा है तो सॉन्ग को मैं यहाँ से काट कर अलग कर दूंगी। सॉन्ग ऐड करने के बाद आपको पिक्चर को दोनों हाथों से जूम कर देना है, एडजस्ट कर देना है मतलब, और फोटो का जो लेंथ है उसे हम छोटा कर देंगे, इतना इतना करके आपको छोटा कर देना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। तो इसका लेंथ मैं छोटा कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे। तो देखिए मेरा सारा फोटो का जो एडजस्टमेंट है। एनिमेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉम्बो वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्लाइड करना है तो मैं स्लाइड कर लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगी दो इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, इस तरह से ये दोनों इफेक्ट को आपको यूज़ करना है। तो इस दोनों इफेक्ट को एक एक फोटो में एक बार राइट एक बार लेफ्ट इस तरह से ऐड करना है हर फोटो में। तो आप एक एक फोटो में कर लेना, मैं कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो ये मैं सारे वीडियो में इस इफेक्ट को यूज़ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे हम बैक। बैक आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस फिर से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो एक एक बार करने में थोड़ा वक्त लगता है तो आपको धीरे धीरे इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैं एक एक फ़ोटो पे कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो ये देखिए मेरा फ़ोटो जो है इफेक्ट लग चुका है। आप नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक रक्षाबंधन का PNG ऐड करना है तो उसके लिए आपको ओवरलेयर पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड ओवरलेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। तो इस PNG को हमें चाहिए तो इसे आपको फिंगर की मदद से एडजस्ट कर देना है अपने फोटो के ऊपर इस तरह से। तो रक्षाबंधन का PNG लग जाएगा आपके फोटो के ऊपर। तो ये बन चुका हमारा रक्षाबंधन का वीडियो। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे ये वीडियो। तो एडिट करना बहुत ही आसान है, आप देख लेना। यहाँ पर जाएंगे वीडियो इफेक्ट पर। वीडियो इफेक्ट पर जाने के बाद कोई एक वीडियो इफेक्ट आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर एक चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी आपको कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कैपकट एप्लीकेशन में आपको इफेक्ट की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं इस ब्लैक फ्लैश वाले को ले लेती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसका लेंथ है जितना फोटो का लेंथ है उतना हम बढ़ा देंगे वीडियो के लेंथ के हिसाब से। तो और कुछ नहीं करूँगी, बस हो चुका मेरा वीडियो एडिटिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कितना पसंद।